मैं डॉक्टर निशी प्राइम आईवीएफ से। आज हम चर्चा करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स की। पेशेंट मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, मैडम हमारी एक फैलोपियन ट्यूब बंद है या हमारी दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद है, हमारे बेबी हो सकता है या हमें ट्यूब खुलवानी पड़ेगी या हमारे बच्चा हो ही नहीं पाएगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस के साथ पेशेंट आते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब होता क्या है। किसी भी महिला में दो ओवरी होती हैं, दो ट्यूब्स होती हैं और एक यूट्रस होता है। ओवरी का काम है अंडा बनाना। ओवरी में अंडा बनता है जो ट्यूब में आता है, नीचे से स्पर्म आते हैं और ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं। ये एम्ब्रियो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। अब कई बार ट्यूब बंद है तो आपका न तो एग आ पाता है ट्यूब के अंदर और ना ही स्पर्म आ पाता है, तो आपके एम्ब्रियो ही नहीं बनता, जिससे कि आपके नेचुरल कंसेप्शन के चांस जीरो हो जाते हैं। मेन इनफर्टिलिटी का 40% कारण ब्लॉकेज ट्यूब है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा मैडम, ट्यूब बंद है या खुली है? तो इसका कोई सिम्टम नहीं होता। जैसे कि आप सोचते हो कि पेट में दर्द हो रहा है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें पता चल जाए कि हमारी फैलोपियन ट्यूब बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं है। ये केवल जब हम जांच करते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो आके हमसे कहते हैं कि मैडम बेबी नहीं हो रहा, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने फैलोपियन ट्यूब की जांच कराएं कि कहीं वो आपकी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। तो ये एक टेस्ट होता है HSG, जो कि महीने के 5वें या 6वें दिन होता है। इसमें डाई डाली जाती है यूट्रस में, जो कि ट्यूब के द्वारा बाहर स्पिल होती है POD में। तो अगर ट्यूब आपकी बंद है तो आपकी ये डाई बाहर स्पिल नहीं हो पाएगी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब बंद है। पर अगर आपको डेफिनेट डायग्नोसिस चाहिए तो आपको लेप्रोस्कोपी कराना पड़ता है। लेप्रोस्कोपी में हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं कि ट्यूब खुली है या बंद है। इसके अलावा उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है कि बीडेड अपीयरेंस तो नहीं है, या ट्यूब में पानी तो नहीं भरा हुआ, ट्यूब फूली हुई तो नहीं है, मतलब ट्यूब खराब तो नहीं हो गई है। तो इस तरह की कई जानकारी हमें लेप्रोस्कोपी से भी पता चल जाती है। अब आपको पता तो चल गया कि आपकी ट्यूब बंद है, तो आप ये जानना चाहेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण कई हैं, जैसे कि आपको कभी प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ हो, STD हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस जो TB जेनाइटल TB होती है वो हुआ हो। इसके अलावा कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो, एंडोमेट्रियोसिस हुई हो, तो ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण आपकी ट्यूब बंद हो जाती है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इन वजह से आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं या एक ट्यूब ब्लॉक्स है, तो अब आपके बेबी भी नहीं हो रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि इससे अब हम कैसे ऐसा हो कि हमें बेबी मिल जाए। तो आप हमारे सेंटर में आइए, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेबी मिले। इसका अल्टरनेटिव जो मेथड है वो IVF है। IVF से क्या होता है कि हमें ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा एग को बाहर निकालते हैं, उसमें लैब के अंदर ही स्पर्म डालकर एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में रख देते हैं, और इसके काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF कहते हैं। तो आप इस अल्टरनेटिव मेथड पे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।